हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, आप लोग एडजस्ट कर लेना, वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिए हैं कुछ बचे हुए पीसेस कपड़े के। तो इंट्रो तो आपने देख लिया है कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि जो बचे हुए कपड़े होते हैं हमारे, सूट से बच जाते हैं, या फिर जो हमारी कई बार चुन्नियाँ वगैरह या दुपट्टे भी हमारे इतने अच्छे होते हैं, तो उनको हम कहीं हटाना नहीं चाहते, फेंकना नहीं चाहते। तो इस तरीके से आप उनका रीयूज़ कर सकते। तो देखिए, मैंने आते के लिए कुछ बनाया है। तो मैंने इसकी लेंथ जो है 12 ली थी, और इसकी जो चौड़ाई है वो 8.5 इंच ली थी। और यहाँ पर मैंने 5x5 का एक बॉक्स बनाया था इस तरीके से, देखिए। तो आद्या आपको पता ही है, 3 साल की है अभी, मतलब 3+ हो गई है वो। तो ये 3+ के बच्चों के लिए मैं मेजरमेंट बता रही हूँ। अगर आपका भी बच्चा इतना बड़ा है तो आप बना सकते हो बड़े आसानी से। तो यहाँ पे देखिए, गला मैं जो है 3 इंच का लूँगी, और उधर से 2 इंच, इधर से 3 इंच, इस तरीके से बॉक्स बना लूँगी एक छोटा सा। और यहाँ पे देखिए, आर्मोंड का बन गया हमारा। और यहाँ पे देखिए, आधा इंच करके इस तरीके से आधा इंच कर लिया है मैंने यहाँ पे। और देखिए, इस तरीके से मैं इसको निशान लगा लूँगी इस तरीके से, थोड़ा सा तिरछा सा, ये देखिए। और इसके बाद हम यहाँ पे गले की गुलाई दे देंगे, और यहाँ से जो है हम आलमंड की दे देंगे इस तरीके से, देखिए। दोनों गुलाई मैंने यहाँ पे दे दी है, और बहुत ईजी है इसको बनाना। और अब इसकी हम जो कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो कपड़े हैं वो अभी गर्मी आ रही तो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, बच्चों के बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो आप भी बना सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो ये देखिए, मेरे दोनों पीस कट हो गए यहाँ पे। और अब हमें क्या करना है, जो पीछे वाला पार्ट है उसमें 2 इंच का यहाँ पे कट लगा देना है, ताकि यहाँ पे हम कोई हुक वगैरह लगा सके बच्चे के लिए। देखिए, इस तरीके से यहाँ पे कट हो गया है। और अब हम पजामे की यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, पजामे की मेरी फुल लेंथ जो है 21 थी, और 17+ मुझे जो है यहाँ पे फाइनल लेंथ चाहिए इसकी। तो इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे मैंने 9 इंच ली थी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरीके से जो 2 इंच है ना वो बेल्ट के लिए छोड़ दिया है ऊपर वाला पार्ट, और यहाँ से मैं 8 इंच पे ले लूँगी, मतलब मैं 7 इंच पे ले रही हूँ, 7.5 इंच का मैं ले रही हूँ, और 8 भी ले सकते हैं। आते मेरी बहुत पतली है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 7.5 इंच का लिया है, और 2 इंच का यहाँ पे मार्क करके इस तरीके से यहाँ पे गुलाई दे दूँगी थोड़ी सी। तो हमारा आसन बन जाएगा यहाँ पे, देखिए इस तरीके से पजामे का। और यहाँ से जो इसके पौचे हैं ना, वो मैं यहाँ पे 7 इंच रखने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि आद्य मेरी ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली सी है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं चौड़ाई रखूँगी तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मैं इसको मिला दूँगी निशान को, और अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ऊपर जो बेल्ट का हमने पार्ट निकाला है, उसको निकालने के बाद आपको फाइनल लेंथ का मेजरमेंट करना है, और नीचे से पोंचे भी मोड़ने के लिए आपको 1 इंच, 1.5 इंच या 0.5 इंच, आप यहाँ पे जितना भी आपको मोड़ना है उस हिसाब से नीचे भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरी कटिंग हो गई है पजामे की, और अब हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1.5 इंच का पट्टी लिया, उसको कट कर लिया था इस तरीके से, रख के सिल लिया है, और उसको मोड़ देंगे अंदर की साइड में, और दोनों पीस को इस तरीके से सीधा साइड अंदर रखते हुए सिल लेंगे। तो यहाँ पे पट्टी को मैंने देखिए यहाँ पे जोड़ लिया है इसको, और छोटे छोटे से नोचेस लगा देंगे, कट लगा देंगे इसमें, और इसको अंदर की साइड में मोड़ते हुए सिल लेंगे इस तरीके से, देखिए। और ये हमारा सिल गया है, और देखिए। और अब हमने क्या करना है, एक तिरछी पट्टी लेनी है, मतलब रेप पट्टी जिसको बोलते हैं, तिरछा हुआ कटा हुआ होता है ये, तो वो जो लगा लेनी है। और उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे लगानी है इसमें फ्रिल। तो फ्रिल लगाने के लिए कपड़ा पूरा नहीं पड़ रहा था, तो मैंने इसमें लगाया है जोड़। और ये हमारी जो पट्टी है वो है 4 इंच की। तो इससे ज़्यादा कि मेरे पास पट्टी बची भी नहीं थी, आप चाहो तो इसमें ज़्यादा भी ले सकते हो, बट ठीक था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए, मोटी चाल का इसमें जो है सिलाई कर लिया था, और धागे को खींच लिया है, तो इसमें जो है अच्छे से इसमें बन गई हैं प्लेट है हमारी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको जोड़ लिया है, टॉप स्टिच भी लगा लिया है इस पर, ऊपर से ऊपर वाली सिलाई लगा के इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको फाइनली पकड़ के अच्छे से, जो वहाँ से हमारा मार्जिन था वहाँ से हम इस तरीके से देखिए इसको सिलाई लगा देनी है दोनों साइड से। तो ये देखिए, मेरा फाइनल लुक इसका इस तरीके से आया है, टॉप का बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारा आगे का वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंचता रहे। बेल आइकन के साथ जरूर आप लोग जो है यहाँ पे कर लेना। तो ये देखिए, अब मैंने इसके जो है सिलाई लगा ली है यहाँ से पजामे में, और अब हम इसको कर लेंगे। यहाँ नीचे पोंचों को भी मैंने दबा लिया है, और साइडों से भी लग गई है हमारी आसन वाली सिलाई, और अब हम इसको खोल लेंगे इस तरीके से, देखिए।
तो इसको खोल लेंगे और खोलने के बाद इसका बताती हूँ क्या करना है। देखिए सिलाई पे सिलाई रखनी है बिल्कुल अच्छे से, और हमने जो नीचे वाला पार्ट है ना ये वाला, इसको जो है सिल लेना है पूरा नीचे तक। सिलने के बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर से हमने जो यहाँ पे 2 इंच 2.5 इंच का जो मार्जिन दिया था उसको हमें अब सिलना है। तो यहाँ पे चाहिए हमें लास्टिक, तो लास्टिक जो है मैंने अपनी बेटी की जो है कमर से 1 इंच कम करके लिया था, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना पसंद नहीं होता है, इसलिए मैंने 1 इंच कम किया था। और इस तरीके से मैं जो है इसमें अटैच कर लूँगी सारी इसको इलास्टिक को। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि इलास्टिक पे सिलाई नहीं करना है, हमें सिर्फ कपड़े को सिलना है, इलास्टिक को नहीं सिलना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप बस यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारा आद्या का जो है बन गया है। यहाँ पे इसका टॉप और पजामा, ये देखिए लहंगा कुर्ती जैसा लग रहा है, तो एकदम परफेक्ट साइज़ आया आद्या को हमारी। और थोड़ा सा लूज़ था तो मैंने डबल सिलाई लगा के थोड़ा और कर दे, क्योंकि ये हमारा पतला सुखड़ा बच्चा है और खाती पीती कुछ है नहीं, इसलिए बहुत पतली दुबली सी है। और बहुत अच्छा लग रहा है आद्या के ऊपर, कैसा लगा आपको? अच्छा, अच्छा लगा, पक्का बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ था टॉप ने घूम के दिखाओ एक बार।